छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। ओ कौन है भाई, बड़े मियाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे पप्पा जान, काम उठा के चले आए हो सुबह सुबह? अबे चुप कर जा, एक तो सीढ़ियां इतनी रखी है तुम लोगों ने, लगता है मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ रहा हूँ मैं। क्या जाकर ठंडे पानी का गिलास लेकर आ जल्दी थे। मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगा, मगर इससे पहले मैं मम्मी जी और सुसर जी को बुलाऊंगा। मम्मी जी, ससुर जी, देखे तो कौन आया, देखे देखे फुप्पा आया। फुप्पा कौन है भाई, कौन है, क्या है, क्या बात है, क्या हो क्या लड्डू? देखो देखो कौन आया, फुप्पा जी आया, फुप्पा जी आया। अरे फुप्पा साहब, अरे बस बस वहीं रहो, रहो। अरे फुप्पा जान, आप आ गए अचानक, बड़ी खुशी हुई। आ बस ठीक हूँ मैं। कैसे आना हुआ? अरे भाई ये एक यूनिवर्सिटी में जाना था, सोचा तुम्हारे घर भी होता चलूं। अरे मम्मी जी, फुप्पा जी अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं क्या? अरे नहीं लड्डू, तुम्हें तो पता ही नहीं है, फुप्पा जान ना बहुत बड़े साइंसदान बन गए हैं और बड़े बड़े तजुर्बे कर रहे हैं। मुझे मालूम है, शादी वाले दिन लिफाफे में से पैसे के बजाय कबूतर निकला था, कबूतर। गुलाम अब फिर शुरू हो गए। और जो एटम बम बनाया क्या वो भी इन्होंने बनाया? अरे पानी मांगा था ठंडा तुमसे। हाँ मैं लाता हूँ, मगर आप बम यहाँ फोड़िएगा, ठीक है? बम तो मैं तेरे सर पे फोड़ूं। पप्पा जान आप ठीक ठाक तो है ना, खैरियत से तो है ना? अरे हाँ भाई हम ठीक हैं, तुम सुनाओ। फुप्पा जान आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे हैं? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप मुझे ये बताइए कि आप इतने दिन बाद हमारे घर में क्यों आए? अरे बेटा जब यहाँ आना होता है ना तो सोचता हूँ तुम लोगों के घर भी आ जाऊँ, वैसे तुम लोगों ने तो मुझे पूछना नहीं है ना। अरे फुप्पा जान क्या करें, कुछ मसरूफियात ही ऐसी हैं, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल सही कह रही है मम्मा, टाइम ही नहीं मिलता, आजकल वक्त इतनी जल्दी गुजर रहा है कि बस। हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी देखो परसों कपड़े धोए मैंने, लगता है कल की थी बात है, और अभी फिर धोने हैं कपड़े। पापा मैं उस मसरूफियात की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं किसी और मसरूफियात की बात कर रही हूँ, आप खुद बताइए, दिन भर सोना क्या आसान काम है? हाँ भाई ये तो ठीक कहा तुमने। गुलाम जाइए किचन में जाइए और हमारे फुफा जान के लिए अच्छा सा खाना बनाए। इनके लिए? मतलब इनके लिए? जी हमारे फुफा जान के लिए, जाइए। बिल्कुल बना के लाता हूँ। अरे क्या हुआ फुफा जान, आप क्यों हंस रहे हैं? अरे मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इतने सालों में न तानी बेगम बदली, न तानी बेगम का गुलाम। अरे छोड़े भी इन बातों को, अब आप आए हैं ना तो खाना खा कर ही जाइएगा। तुम मुझे इतनी जल्दी भेजना चाहती हो, मैं तो बड़ी फुर्सत से आया हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं आपका घर है, जब तक दिल चाहे रहे, बस मुझे थोड़ी सी देर के लिए इजाजत दें, जरा दफ्तर का काम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है आप आराम से बैठें, दोनों बातें करें। फूफा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फूफा साहब एक बात तो बताएं। हाँ पूछो पूछो। मैं पूछता हूँ फूफा जान, आज भी आप साइंस के तजुर्बात करके मतलब कुछ से कुछ बना सकते हैं? अरे भाई साइंस में ही तो हमारी महारत है, तो आप हमें कुछ बना दें। गर्दामात बनकर दिल नहीं भरा क्या? नहीं मेरा मतलब फूफा साहब वो असल में वो। अच्छा भाई क्या बनना चाहते हो? मतलब कुछ भी, शेर बबर बना दे, चीता मीता बना दे, यानी हाथी बना दे, कोई बड़ा जानवर बना दे, बचेगा? ये आप क्यों हंस रहे हैं भाई? तुम इंसान नहीं बनना चाहते, जानवर ही बनना चाहते हो। पापा जी मैं तो वो ऐसी कह रहा था, ऐसी। अरे छोड़ो ये बताओ कि खाने का क्या हुआ? बन रहा है। तो जाओ जाकर देखो ना। अच्छा देखता हूँ देखता हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? मैंने सोचा जरा कमर सीधी कर लूँ। जाओ जाकर अदरक का कहवा बनाकर लाओ बगैर चीनी के।
अभी फौरन नहीं, अगले साल इसी तारीख पे आऊंगा, फिर ले आना। हाँ ये ठीक है, जाओ जाके कहावे लेकर आओ। अच्छा ठीक है, आप अभी ला रहा हूँ, बुबा साहब ला रहा हूँ। सद्धाराम आप फूफा जान, आप क्या कर रहे हैं? वो अपना काम कर रहा हूँ बेटा। अच्छा फूफा जान, आप मुझे भी जादू सिखाइए ना। भाई मैं जादूगर नहीं हूँ, साइंसदान हूँ। तो क्या हो गया? आप एक काम कीजिए, आपने मुझे कोई सांसी कमाल दिखाएं। तुम ये बताओ कि क्या बनना चाहती हो? जो मैं बनना चाहती थी वो तो मैं बन गई। क्या? दुल्हन। हाय हाय, पक्की तानी बेगम की बेटी हो तुम। जिंदगी में और कोई ख्वाहिश नहीं है तुम्हारी? कुछ खास तो नहीं, मगर हाँ मैं ना उड़ना चाहती हूँ हवाओं में। ये काम मैं तुम्हारा कर सकता हूँ। सच्ची में? वो कैसे? ये बताओ कि इंजेक्शन लगवा लोगी? हाँ लगवा लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इंजेक्शन बनाकर लाता हूँ। इंजेक्शन लगवा कर तुम सो जाना, फिर उठकर बताना कि हवा में उड़ना कैसा लगता है। पक्का ना? आप आ रहे हैं ना? हाँ भाई पक्का पक्का, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। चलो चलो जल्दी आइएगा। हनी, अरे फूफा जान आपने हनी को कहीं देखा है? भाई बहुत देखा है भाई, इतनी सी थी, इतनी सी थी तब से देख रहा हूँ। नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब घर में कहीं देखा है। मेरा ख्याल है कमरे में होगी। लेकिन कमरे में तो मैं देख कर आ रहा हूँ, वहां तो वो नहीं है। अरे अंधों की तरह ना देखना, गौर से देख, वहीं कहीं होगी। ठीक है मैं दोबारा देख कर आ रहा हूँ। हाँ पुपा जान ये देखो, ये क्या है, ये क्या है? अरे लड्डू क्या कर रहे हो? हैं भैया जी, वो हनी, ये मैं हूँ हनी। ये हनी है? आराम से लड्डू, देखो मुझे चोट लग जाती है, ऐसा मत करो। अरे पुपा जान ये क्या कर दिया आपने? हनी तुम चिड़िया बन गई। हाँ ना, वो मैंने पुपा से कहा था कि मुझे हवाओं में उड़ना है, पापा ने मुझे पता नहीं कौन सा टीका लगाया, देखो मुझे क्या बना दिया, मुझे निकालो यहाँ से। अरे पापा जान ये आपने क्या कर दिया? तेरा बेड़ा गरक। क्या हुआ? अरे गलती से परिंदा बनाने का फार्मूला लग गया। अरे अरे मुझे तो बचाओ, अब क्या होगा, मुझे निकालो यहाँ से लड्डू। अरे ये क्या कर दिया पापा जान आपने, अब क्या होगा? अरे तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सफर करूं मैं? मेरी हनी चिड़िया बन गई। जल्दी करो, देखो जल्दी करो, मुझे इंसान बनाओ फूफा जान, प्लीज मुझे इंसान बनाए लड्डू। अरे बेटा इंसान बनाने का फार्मूला होता तो सबसे पहले तुम्हारे बाप और तुम्हारे शौहर को लगाता, वही तो है नहीं मेरे पास। अरे भाई तुम ऐसा करो कि कहीं से उल्लू का खून लेकर आओ। उल्लू का खून? मैं उल्लू का खून कहाँ से लेकर आऊं? भाई वो तो लाना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं होगा। लड्डू उठो और फौरन जाओ, देखो मुझे इंसान बनना है, उठो यहाँ से। हाँ मैं जाता हूँ और लेकर आता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ से लेकर आऊंगा? लड्डू मैंने कहा जल्दी जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हनी ये काम ना तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, अब तो तुम चिड़िया बन गई ना, फरफर कर दी जाओ, फरफर कर दी वापस आ जाओ। बकवास बंद करो, मुझे इंसान बनने तो फिर देखना क्या करती हूँ। हाँ ठीक है मैं जाता हूँ, कुछ करता हूँ, लुको फोन लेकर आता हूँ। जल्दी जल्दी हनी, मैं पापा चिड़िया, ये क्या हो गया? पापा जान जल्दी करें कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पे बन इस तरह। फिक्र न कर मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं करता हूँ कुछ। अरे हाय कहाँ चला गया वो? अरे वही फार्मूला नहीं है, क्या करूँ? ये मेरा बहनोई ना होता तो कब का गोली मार देता मैं इसे, जवानी में इसकी वजह से बर्बाद हो गया मैं। हैं? आप बर्बाद हो गए? क्यों? ऐसा क्या बना दिया था आपको उन्होंने? दूल्हा तेरी सास का।
सर जी आप रोए मत, बहुत बुरे लग रहे हैं आप रोते हैं। ससुर जी आ रहा हूं, आप भी मुझे बर्बाद करेंगे। आ रहा हूं लड्डू, आ रहा हूं। हनी हनी कहाँ हो तुम? हनी, अरे मम्मा मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ पे देखे आप। यहाँ कहाँ, मगर मुझे नजर तो नहीं आ रही। पापा जी हनी पता नहीं कहाँ है, आवाज तो आ रही है मगर नजर नहीं आ रही वो मुझे। अरे हनी ये है ना, हनी ये है। हाँ हाँ मम्मा हाँ, ये देखे मैं यहाँ पर हूँ। मम्मा मुझे बचाए, मम्मा यहाँ पिंजरे के अंदर हूँ मैं। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? अरे वो मुझसे ना गलती से। या अल्लाह क्या होगा। गुलाम गुलाम जल्दी आए। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? गुलाम ये देखे, ये हनी गुलाम चिड़िया बना दिया। पापा जान ने गलत इंजेक्शन लगा दिया इसे। हनी 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 है ये हनी। अरे गलत इंजेक्शन नहीं लगाया, वो गलती से इंसान के उड़ने वाला इंजेक्शन की बजाय परिंदे वाला इंजेक्शन लग गया। पर मैं कुछ नहीं जानती, पापा जान इसको ठीक करें जल्दी से। क्या होगा इसका? पापा पापा मुझे बचाएं, मुझे निकालें यहाँ से, मुझे यहाँ पे अंदर नहीं रहना। हाँ बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना। अरे लड्डू को भेजा है, उल्लू का खून मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। उल्लू का खून? ये उल्लू का खून मिलेगा कहाँ से भाई? अरे वैसे तो तुमसे भी मिल सकता था, लेकिन हमें नस्ली उल्लू का खून चाहिए। पापा जान बस मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी ठीक करें मेरी बच्ची को। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना। कि क्या हुआ, उल्लू का खून मिला? नहीं मिल रहा। अरे वो सब तो ठीक है मगर अब क्या होगा, मैं कैसे बनूंगी इंसान दोबारा? अरे लड्डू क्या हो गया है तुम्हें, एक उल्लू का खून नहीं मिल रहा। अरे मम्मी जी दिन में उल्लू नहीं मिल रहा, उल्लू का खून कहाँ से मिलेगा? अगर उल्लू का खून नहीं मिला तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे उल्लू का खून जो है ना वो जादू मंत्र जो करते हैं ना उनके पास होता है। ओ मम्मी जी, मम्मी जी वो आपके बाबा है ना, बाबा मुश्तरी पुश्तरी क्या नाम उनका? हाँ तारा बाबा, तारा बाबा उनको फोन करें ना। अरे हाँ मैं अभी तारा बाबा को फोन करके आती हूँ। जल्दी कर लो कर लो, अल्लाह मिल जाए फोन। तेरी माँ की कसम पैसे दे दे, देख देख अबे अबे बहुत मसला है यार, दे दे। चल अच्छा 50 दे दे, 50,000। चल 10 दे, 5 दे दे। चल 5,000, 500 हैं वही दे। देखो यार गालियां वालियां अच्छी बात नहीं होती, तमीज से बात करो। देखो मैं हेलो यार, एक तो आजकल उधार मांगने वाले बड़े बदतमीजी से यार उधार दे रहे हैं, क्या करूँ यार। अल्लाह मैं कहाँ से बंदोबस्त करूँ, कहाँ से पैसे आएंगे यार, किसी से मांग भी नहीं सकता। बेगम को सूट भी लाजमी दिला के देना यार। तानी बेगम लगता है इंतजाम हो गया। हेलो जी 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 जी, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक है खैरियत से? जी जी अच्छा अच्छा बेटा, हुकुम हुकुम काम बताएं। हैं उल्लू का खून? ओहो उल्लू का खून, हाँ हाँ हो जाएगा। बस आप 10,000 का बंदोबस्त कर लें आप। हाँ हाँ अब उल्लू है, उल्लू अब इतना भी उल्लू नहीं कि मुफ्त में खून दे दे। आप 10,000 अरेंज करें, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। ओके 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 अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, जब तक बनने वाले मौजूद हैं बनाने वाले तो बनाएंगे। चल भाई उल्लू के खून का बंदोबस्त कर। चलो बात हो गई है, आ रहे हैं तारा बाबा। अरे देखा वही काम आए ना, बोले क्या वो भाई, वो खून लेकर आ रहे हैं, वो उल्लू का खून ला रहे हैं। हाँ लो भाई उल्लू का खून मिल गया तो काम हो गया। ठीक है लड्डू, मैं जरा किसी काम से जा रही हूँ, तुम ना तारा बाबा आ जाए तो मेरी अलमारी में पैसे रखे, मैं निकाल के उनको दे देना। ठीक है मामी जी मैं दे दूंगा। ठीक है हाँ। जरा सही हाँ, पैसे गिने में बस उतने ही देना जितने का है। अरे हनी 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 कहाँ हो हनी? ना कॉल उठा रही है ना जवाब दे रही है। कौन हनी कहाँ है? ये आएगी हनी। हाँ सना मैं हनी हूँ, तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारे? ये क्या है? डर रही है उससे? नहीं नहीं डरो मत, अभी कुछ ही देर में ये इंसान बन जाएगा। अच्छा क्या हाल है हनी? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या क्या हाल है मेरा? अजीब सवाल कर रही हो, परिंदा बन गई हूँ, पिंजरे में बंद हूँ और तुम पूछ रही हो कि क्या हाल है मेरे, ये सब हुआ कैसे? Yeah.
तो पप्पा है कहाँ पे? अरे मैं तो यहाँ हूँ, बोलो किसने याद किया? अरे डरो नहीं, तुम्हें भी कुछ बनना है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं फिर आऊंगी, चलती हूँ। सुनो तो सही, अरे अरे रुको, अरे क्या पप्पा आपने भगा दिया उसकी सैलरी को भी भाई? अरे तुम छोड़ो उसको जाने दो, ये बताओ कि उल्लू के खून का क्या हुआ? उल्लू का खून? हाँ, उल्लू का। तारा बाबा, जिंदगी में कभी इतना इंतजार तुम्हारा नहीं किया जितना आज किया है। हमारी जरूरत पड़ी गई ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, उल्लू का खून लेकर आए हो। हाँ, ये रहा। अरे वाह तारा बाबा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? वो तारी बेगम से बात हुई थी, इसके बदले में कुछ पैसों की। समझ गया। और बहुत शुक्रिया। अरे गिन तो लो। गिन के क्या करना है, ठीक ही होंगे ना? क्यों भाई? असल में बात ये, उल्लू का खून हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि पूरा शहर उल्लू है, लेकिन खून देने को कोई तैयार ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो तारा बाबा। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये उल्लू का ही खून है ना, लग तो रहा है। चलो चलो। अरे जल्दी आ जा, लड्डू कहाँ रह गया? पापा जी। पापा जी, मैं उल्लू का खून ले आया। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब बनेगा सही फार्मूला। अच्छा तुम अब जाओ और मुझे अकेले में कुछ काम करने दो। ठीक है पापा जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे पापा जी, इतनी खामोश क्यों है? अरे सो रही है ना। अच्छा तुम ऐसा करो, जाओ एक ठंडा पानी का गिलास लेकर आओ। क्या करते हो भाई? मैं जरा वॉशरूम से हाथ धोऊं, फिर आके लगाता हूं। तोपा, इतनी गर्मी है कि कोई हद नहीं। अरे वाह, शरबत तो पहले से ही तैयार हुआ रखा है। ये शरबत है कि जहर? लड्डू, मेरे लिए ठंडा शरबत बना के लाओ। तोपा, कुछ कम नहीं हो गया? चल हाँ, प्रोग्राम शुरू हो गया। अच्छा, मैं आता हूं। लड्डू आया पापा जी। आ जा। जी पापा जी। हाँ लड्डू, ऐसा करके इसको जाकर कमरे में रख दे इसके, समझे, और खुद बाहर निकल आना, पर थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। पक्की बात है? अरे तुम जाओ ना, ले जाओ इसको। ठीक है, मैं लेके जाता हूँ। आजो हनी, आजो। लड्डू, तो बताना तो भूल ही गया कि मैं जा रहा हूं। चलो लिख के जाता हूं। पप्पा साहब,
भोपा साहब, भोपा भोपा साहब आए, भोपा साहब चले गए। अनिका लड्डू, हे लड्डू जी, ससुर जी आया। ये फूफा चले गए जी? ससुर जी फूफा चले गए हैं? हनी कहाँ है? ओ ओ ओ हनी, हनी तो पापा। लड्डू ये देखिए, मैं बिल्कुल सही हो गई, मैं इंसान बन गई। अरे वाह 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 वा, यार ये फूफा साहब हैं काम की चीज। हाँ वो तानी बेगम कहाँ है? मैंने आवाज तो सुनी थी उनकी। अरे हाँ मम्मा का है, मम्मा को बुलाइए ना, मुझे उनको बताना कि मैं इंसान बन गई। मैं देख के आता हूँ कमरे में उनको। शुक्र है हनी तुम ठीक हो गई, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मगर तुम चिड़िया बन के भी अच्छी लग रही थी। क्या हो गया पापा, हंस क्यों रहे? और ये कौन है? मुझे लगता है कि मम्मी जी चिड़िया बन गई। क्या? मगर मगर लड्डू अब क्या होगा? अब तो हमारे वो फूफा जान भी चला गया, मम्मा को सही कौन करेगा? अब क्या हो गया पापा, अब आप क्यों हंस रहे? जिसने सारी जिंदगी मुझे गुलाम बना के रखा, आज वो खुद कैद है। गुलाम? जी जी जी, रात को जलजला आया था और आप लोगों ने हमें नहीं उठाया। अरे भाई हाँ, हम तो जलजले की तस्दीक कर रहे थे कि बगैर तस्दीक के अगर आपको उठा दिया तो एक जलजला और आ जाता। मुझे जाने दो भाई, मुझे पकड़ना मत। ओए खलाई मखलूक उर्दू बोल रही है, ये आधा क्यों है? बाकी की खलाई मखलूक कहाँ है? डूडू डाडा डीडी, हमारे सियारे पे सब इसी तरह होते हैं। ओए ये क्या चीज है? ये वो मम्मी जी ने जो चाइना से रिपोर्ट मंगाया ना, ये वो है। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।